सब लोग ध्यान से सुनेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मॉर्निंग गुरुदेव, क्या हालचाल? बढ़िया सर जी, आशीर्वाद। और सब घर परिवार सब अच्छा है? बिल्कुल सर जी। संजय धीमान आप सब लोगों को आज गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता है। खूब तरक्की करें आप सब लोग, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आज दुनिया के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज में आप सब लोगों का स्वागत है। सब जगह कोरोना फैला हुआ है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट वाले तो पूरी दुनिया में ड्यू सॉफ्ट फैला रहे हैं। कहते हैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हम मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी तू ही बता, तेरी मुश्किलें बड़ी है, हमारे हौसले बड़े हैं। शुरुआत करते हैं। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आर यू एक्साइटेड? यस। आवाज नहीं आ रही? यस सर जी। गुरु जी आ रही है? आर यू एक्साइटेड गुरु जी? जोर से आवाज आनी चाहिए। और जब कुछ अच्छा लगे ना तो ऐसे कर देना, हाँ, या तालियां बजा लेना। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहना, मैं आपका हौसला बढ़ाते रहूंगा। ठीक है? तो तैयार है फिर? मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैंने पहली बार अपनी अपलाइन से मिला ना, जब मैं पहली बार अपनी अपलाइन से मिला जी, तो अपलाइन के लाइफस्टाइल को देख के, अपलाइन की क्या बोलते हैं बातों को सुन के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो मैं जी, मैंने अपनी अपलाइन से पता क्या सवाल किया जी, कि सर अगर मैं भी 2 साल पहले जुड़ गया होता ना तो आज मैं भी स्टार होता। मेरी अपलाइन उस टाइम स्टार थी। यस सर जी। यस। मेरी अपलाइन ने मुझे कहा, संजय धीमान 2 साल कोई पहले आया है या 2 साल बाद में आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप संघर्ष के लिए कितने तैयार हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बहुत समय के आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक उतना कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग जो जैसे मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, ज्यादा उम्र नहीं हुई जी गुरु जी, लेकिन कम समय में भी इतना संघर्ष किया और एक बहुत बड़ा नाम बना दिया। कहते तुम्हारी तुम्हारी जो कामयाबी है ना, तुम जैसा बनना चाहते हो वो तो तुम्हारे संघर्ष में है। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। कहते संजय धीमान अभी तुम वर्कशॉप में जो मेहनत कर रहे हो, क्या तुम इससे खुश हो? मैंने कहा सर मैं इससे खुश तो नहीं हूं। तो कहता फिर क्यों कर रहे हो ये काम? कहता मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मुझे एक कहानी बताई थी और मैं इसी कहानी से आज शुरुआत करना चाहता हूं। कहानी ऐसे थी कि एक नदी पहाड़ों से बहते 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 मैदान में आ गई, प्लेन एरिया में आ गई। तो उस नदी के जो किनारे थे ना, उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर पड़े हुए थे। दो पत्थर ऐसे थे जिनकी आपस में ना धीरे धीरे बातचीत होने शुरू हुई, उनमें दोस्ती होने शुरू हुई, हाय हेलो से अब अपने जीवन की वो पूरी कहानी बताने लगे एक दूसरे को। फिर एक दिन ना एक पत्थर ऐसा था कि जो बहुत ही मतलब शाइनिंग मारता था, बड़ा गोल था, बहुत चिकना था। और एक पत्थर ऐसा था जिसमें मतलब बहुत सारे कोने निकले हुए थे, ज्यादा टेढ़ा था, खुरदरा जैसा था, शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं थी उसकी। वो पत्थर उस चमकीले पत्थर से, उस चिकने पत्थर से सवाल करता है, कहता है यार तू इतना खूबसूरत क्यों है, जबकि मैं भी उसी नदी में हूं, तू भी उसी नदी में है। जिस पानी में तू रहता है उस पानी में मैं रहता हूं, पर मुझे एक बात बता, तू इतना चमकदार, इतना चिकना क्यों है, इतना सुंदर क्यों है?
तो उस पत्थर ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ना नदी पूरे उफान पे थी और मैं किसी पहाड़ के साथ चिपका हुआ था। तो जब नदी की लहरें मेरे साथ टकराई तो मैं पहाड़ से अलग हो गया और फिर उन लहरों में उठक पटक बहुत हुई, मैं बहुत सारी चट्टानों से टकराया और पहाड़ों से टकराते 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 मैं संघर्ष करते 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 आज यहाँ इस समतल एरिए में आ पहुंचा हूं। और मुझे लगता है कि उसी संघर्ष की वजह से, उन लहरों के थपेड़े खा खा कर, चट्टानों से टकरा टकरा के मैं चिकना हो गया, मुझे लगता है यही संघर्ष ही मेरी सुंदरता का कारण है। तो उस पत्थर ने पता क्या बोला कि तेरी बात सत्य है दोस्त। जो खुरदरा पत्थर था ना, जो इतना सुंदर नहीं था, जिसने सवाल किया था, वो कहता है कि तेरी बात सत्य है दोस्त, मैं हमेशा ही संघर्ष से बचता रहा हूं, अगर मैंने भी संघर्ष किया होता तो आज मैं भी तेरी बराबरी में खड़ा होता। तो जो चिकना पत्थर था उसने बड़ी अच्छी बात बताई, उसने कहा तुम आज वही हो जो मैं कल था और तुम कल वही होंगे जो मैं आज हूं। तुम भी संघर्ष करो। उस चिकने पत्थर ने उसको कहा कि देख मेरी बात सुन, जैसे तू है ना वैसे ही कई टाइम पहले मैं था, बीते हुए कल में मैं भी तेरी तरह ही था, लेकिन संघर्ष के कारण आज मैं सुंदर बन चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम इस संघर्ष को करने के लिए तैयार हो तो जो आज तुम हो वही मैं कल था और तुम कल वही होंगे जो मैं आज हूं। तुम भी कल, आने वाले कल में मेरी तरह बन सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों संघर्ष में ही हर्ष है। कई बार लोगों को लगता है जब एडिफिकेशन करते हैं तो लोगों को बताया जाता है कि एक डीजल मैकेनिक आज से 17 साल पहले उसने एक डिसीजन लिया, शुरुआत करी, आज सफायर बन चुका है, आज 6930 माइल। तो लोगों को लगता है काश मैं भी अगर 17 साल पहले ज्वाइन हो गया होता तो आज मैं भी सफायर होता। दोस्त पहले ज्वाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि संजय धीमान ने 17 सालों में जो संघर्ष किया है, क्या तुम वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो तुम आज वही हो जो मैं कल था और तुम कल वही होंगे जो मैं आज हूं। क्या बात है सर जी।